तो साथ हम बात करेंगे फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स यानी अगर सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला गिवन हो और उसका वर्टेक्स गिवन हो तो उस केस में हम पैराबोला की इक्वेशन और केसेज भी कर चुके हैं देखें जी फर्ज कले डायरेक्ट्रिक्स जो है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला जो है वो गिवन है डायरेक्ट्रिक्स इज इज इक्वल टू चले वाई इज इक्वल टू थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री इज द डायरेक्ट्रिक्स ठीक है जबकि वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला जो है वो है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला वो है टू टू ठीक है टू कॉमा टू तो हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला ठीक है अब देखें इस गिवन इन्फॉर्मेशन में पहले हम अगर अपना अपने एक्सिस को ड्रॉ कर लें ठीक है जो कि हमें काफी हद तक हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ठीक है चले यू समझे जी लेट सपोज दिस इज माई एक्स एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस

तो वेर इज दैट पॉइंट अगर आप यहां से देखें वन एंड टू इसी तरह से वन एंड टू सो ये मेरे पास वर्टेक्स है वी फॉर वर्टेक्स जो कि किस पॉइंट पे है टू कोमा के ऊपर है है ठीक इसी तरह से अगर आप देखें तो एक बात तो हमें समझ आ गई ठीक है यानी अगर मैं डायरेक्टेक्स के ऊपर परपेंडिकुलर पर 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 थ्रो करूं वर्टेक्स से यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये डिस्टेंस डेफिनेटली जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से उतना ही डिस्टेंस यहाँ से फोकस का होगा बिकॉज यही डेफिनेशन, यही होता है ठीक है, है डिस्टेंस वो वो बराबर होता है, वर्टेक्स फोकस। इसका मतलब अगर से जो अब ये सारे एक ही पॉइंट पे लाइक करते हैं तो इसका मतलब है कि वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स जो अब इनके लिए एप्सिसा जो है वो तो ऑर्डिनेट तो कितना हो गया वन ऑर्डिनेट कितना हो गया वन so इसका मतलब है फोकस किस पॉइंट पे हो जाएगा टू वन के ऊपर और यहाँ से अगर मैं ऑब्वियसली एक ऐसा पैरा बोला आप दिस इज द फोकस दिए वर्टिक्स तो डेफिनेटली ये, तो ये वर्टिकली

तो जितना एफ से लेके पी तक डिस्टेंस होगा उतना ही पी से लेके सपोज ये पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट करता है तो जितना डिस्टेंस यहाँ से एफ से लेके पी तक होगा उतना डिस्टेंस पी से एम तक होगा सो वी कैन सिंपली से हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है एफ पी एफ पी डिस्टेंस एफ पी जो है वो किसके इक्वल है डिस्टेंस पी एम के इक्वल है पी एम के इक्वल है अब अगर आप देखें एफ पी का डिस्टेंस एफ जा रहा है एफ बी एक पॉइंट है पी भी एक पॉइंट है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है definitely with the help of distance formula which is x minus 2 whole square x minus 2 whole square plus y minus plus y minus 1 whole square plus y minus 1 whole square take? is equal to is equal to or distance between point and line distance between point and line line cone here y is equal to 3 that means ke y minus 3 is equal to 0 y minus 3 is equal to 0 this is the equation of

स्क्वेयर रूट ऑफ कोफिशन ऑफ एक्स और प्लस वाई का स्क्र वन स्क्वेयर है ठीक है, है तो ये points, दो, दोनों पॉइंट बाय डेफिनेशन ये पी एफ और पी एम बराबर है बिकॉज इनकी इक्वल टू वन होती है सेंट्रिसिटी जिसको बोलते हैंट वी कॉल्ड पैराबोला ठीक है अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो यही मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी अगर इसको सॉल्व करूँ तो डेफिनेटली है स्कोयर रूट है स्क्वेयर बोथ साइड्स करूंगा तो ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू स्क्र प्लस वाई माइनस वन स्क्र वाई माइनस इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री स्क्र वाई माइनस ये यहाँ पे देखें तो जीरो एक्स इज नथिंग ये जीरो का स्क्र प्लस वन का स्क्वेयर वन होता है तो डिवाइडेड बाई वन एज इट इज रहेगा ठीक है इसका मतलब एक्स माइनस टू होल स्क् एक्स माइनस टू होल इक्वल टू वाई माइनस थ्री होल स्क् होल होल अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है जस्ट आई नीड टू सिंप्लीफाई तो मेरे पास आंसर आ जाएगा अब अगर आप देखें तो लेट्स से ओपन भी कर सकता हूं लेकिन सर कोर्स हमें पर्टिकुलर फॉर्म में अब ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र थ्री नाइन माइनस टू ए बी टू इंटू थ्री सिक्स और सिक्स वाई और नेगेटिव साइन और ये नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र and minus 2ab which is minus 2y थीके? so that means that means kymerebas y square plus 9 minus 6y minus y square minus 1 and plus 2 because negative a sub k sign change थीके? that means ke y square cancel with y square and uh, uh, minus 6y plus 2y minus 4y or 9 minus 1 is plus 8 और x माइनस टू होल स्क्ल टू माइनस फोर वाई प्लस एट अब अगर मैं इसको मजीद सिंपलीफाई कर लूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा x माइनस टू होल स्क्वेयर एक्स माइनस टू होल स्क्र इज इक्वल टू माइनस फोर अगर कॉमन ले लिया जाए तो बन जाएगा y माइनस टू ठीक है अब दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो कि मैंने जनरल फॉर्म में लिखी है अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करूं तो किस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर होगी एक्सन करो माइनस फोर ए वाई एक ऐसा पैराबोला जो कि वर्ड जो है डाउनवर्ड फेस करता है जिसका ओरिजिन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है लेकिन इसका वर्टेक्स इज नॉट एट ओरिजिन जो कि हमने ग्राफिकली भी देख लिया बिकॉज एक्स माइनस टू मीन्स के जो इसका आप शीशा होगा वो टू होगा और ऑर्डिनेट जो होगा वो बी यानी एफसीसा टू एंड ऑर्डिनेट भी टू एफसीसा भी टू एंड ऑर्डिनेट भी टू तो अगर आप वर्टेक्स का देख लें तो यहाँ पे देखें एफसीसा भी टू है एंड ऑर्डिनेट भी टू है तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत आसानी के साथ हमने जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट कर लिया अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं